हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, क्या आप जानते हैं खिलजी वंश के ठीक बाद दिल्ली पर किस वंश का शासन था? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। जस की तस बनी रहेगी ईएमआई, लगातार 8वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने लगातार 8वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है और ये 6.5% पर बरकरार है। महंगाई को टिकाऊ स्तर यानी कि 4% पर लाने और वैश्विक अनिश्चितता के बीच आर्थिक वृद्धि को गति देने के मकसद से नीतिगत दर को यथावत रखा गया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठक बुधवार को शुरू हुई तो 3 दिन की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी शुक्रवार को दी। शक्तिकांत दास ने कहा कि इसके साथ ही एमपीसी सदस्यों ने लक्ष्य के अनुसार खुदरा महंगाई को लाने के लिए उदार रुख को वापस लेने के अपने निर्णय को भी बरकरार रखने का फैसला लिया है। रेपो दर को 6.5% पर बरकरार रखने का मतलब यह है कि मकान, वाहन समेत विभिन्न कर्जों पर मासिक किस्त यानी ईएमआई में बदलाव की संभावना कम है। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने आखिरी बार फरवरी 2023 में रेपो रेट में बढ़ोतरी की थी और इस बढ़ोतरी के बाद रेपो रेट 6.5% कर दी गई। इसके बाद लगातार 8 बार केंद्रीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक हो चुकी है। बता दें कि रेपो रेट के आधार पर बैंक लोन की ब्याज दर पर फैसला लेते हैं। हिमाचल में सुक्खू सरकार का बड़ा ऐलान, शिक्षा विभाग में ट्रांसफर पर लगाई रोक। खबर है कि हिमाचल प्रदेश में आचार संहिता समाप्त होते ही सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सुक्खू सरकार ने शिक्षकों के तबादले को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव का ऐलान होने से पहले शिक्षकों के तबादले को लेकर जारी डीओ नोट की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है और चालू शैक्षणिक सत्र के बीच शिक्षकों के तबादले से स्कूलों में छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो। अब सरकार तबादले के पुराने आवेदनों पर विचार नहीं करेगी और इस बारे में आदेश जारी हो गए हैं। शिक्षा विभाग के कामकाज को लेकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर आचार संहिता समाप्त होते ही सचिवालय में बैठक भी ले चुके हैं जिससे शिक्षकों के तबादले को चर्चा हुई है और शिक्षा मंत्री के मुताबिक शिक्षकों के तबादले करने से संबंधित सैकड़ों डीओ नोट शिक्षा निदेशालय पहुंच चुके हैं। अरविंद केजरीवाल को रेगुलर बेल के लिए करना होगा और इंतजार, 14 जून तक टली सुनवाई। बता दें कि दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए और अभी इंतजार करना होगा। राव जुबेनू की स्पेशल कोर्ट ने इस केस में सुनवाई करते हुए केजरीवाल की नियमित जमानत को 14 जून तक के लिए टाल दिया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और अतिरिक्त लोक अभियोजक जुहैब हुसैन पेश हुए, वहीं अरविंद केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील हरिहरन अपना पक्ष उन्होंने रखा। हरिहरन ने अदालत को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से उन्हें कुछ देर पहले ही रिप्लाई मिला है और ऐसे में मामले को अवकाश जज के पास भेज दिया जाए। दिल्ली सत्र न्यायालय 8 जून से ग्रीष्मकालीन अवकाश पर जा रहा है। अदालत ने अब इस मामले को 14 जून के लिए सूचीबद्ध किया है। एनडीए ने सरकार बनाने का दावा किया पेश, राष्ट्रपति को सौंपा समर्थन पत्र, 9 जून को मोदी के शपथ ग्रहण की तैयारी। खबर है कि लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को मिले बहुमत के बाद गठबंधन ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। एनडीए ने राष्ट्रपति को समर्थन पत्र सौंपा और इस तरह 9 जून को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो गई है। पिछले दिनों संपन्न लोकसभा चुनाव में 543 सदस्यीय लोकसभा के चुनाव में भाजपा को 240 सीटें मिली जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 293 सीटें मिली। राज्य की सीटों की संख्या बहुमत के जादुई आंकड़े से अधिक है। भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए की ओर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए नेता चुने जाने के बाद मोदी ने कहा कि अगले वर्ष में उनकी सरकार अगले 10 साल में यहां सुशासन, विकास और जीवन की गुणवत्ता, आम नागरिकों के जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप पर ध्यान केंद्रित करेगी और उन्होंने कहा कि आपसी विश्वास इस गठबंधन के मूल में है और वे सर्वपंथ संभाव के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध हैं। समाजवादी पार्टी के एमएलए इरफान सोलंकी को आगजनी के मामले में 7 साल की सजा, कानपुर की सीसा मऊ सीट पर उपचुनाव तय। बता दें कि कानपुर के समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को तगड़ा झटका लगा है।
कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने इरफान सोलंकी को आगजनी के मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। इरफान के साथ ही उनके भाई रिजवान समेत 5 लोगों को अदालत ने दोषी माना था और सभी 6 दोषियों पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। महाराजगंज जेल में बंद इरफान सोलंकी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया और सजा के साथ ही इरफान की विधानसभा सदस्यता जाना तय हो गया है। इरफान कानपुर की सीसामऊ सीट से विधायक हैं। इरफान की सीट खाली होने के साथ ही यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव तय हो गया है। 8 सीटों के विधायक लोकसभा चुनाव में सांसद बन चुके हैं। फैसला आने के बाद इरफान के वकील ने कहा कि वह हाईकोर्ट में अपील करेंगे। गुरुग्राम में भूमाफिया पर फिर एक्शन, इन 4 अवैध कॉलोनियों की जमीनों पर चले बुलडोजर। बता दें कि एनसीआर में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। गुरुग्राम जिला नगर योजनाकार प्रवर्तन की ओर से बोहरा कलां और चांगला डूंगरवास में अवैध कॉलोनियों में तोड़फोड़ अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई में 8 एकड़ पर काटी गई 4 कॉलोनियों में 26 अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। जिला नगर योजनाकार को शिकायत मिली थी कि बोहरा कला और चांगला डूंगरवास क्षेत्र में 4 स्थानों पर अवैध कॉलोनियां काटकर विकसित की जा रही है और विभाग की ओर से जांच कराई गई तो शिकायत को सही पाया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट व एटीपी दिनेश सिंह के नेतृत्व में जेई राजन, जेई अमित, एफटी रोहन समेत कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और सबसे पहले तोड़फोड़ दस्ते ने गुरुग्राम बोहरा कला में 4 एकड़ क्षेत्रफल में काटी गई 1 अवैध कॉलोनी में सड़क नेटवर्क समेत 5 डीपीसी को ध्वस्त कर दिया। आम आदमी पार्टी कांग्रेस की दोस्ती खत्म होने पर बोले पीएम मोदी, कहा मैंने पहले ही कहा था। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों और सरकार के आगामी लक्ष्यों पर विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने विपक्षी दलों खास करके कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की राहें अलग होने पर भी तंज कसा। उन्होंने इशारों में कहा कि बिखराव शुरू हो चुका है, जिसकी भविष्यवाणी उन्होंने पहले ही की थी। पीएम मोदी ने एनडीए और इंडिया गठबंधन में अंतर का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों के बीच बहुत फर्क है। मोदी ने कहा कि उनका गठबंधन सिर्फ सत्ता सुख के लिए था। उन्होंने कहा कि गठबंधन के बावजूद वे आपस में एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपते रहे। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने फोटो ऑप के लिए गठबंधन का ऐलान कर दिया, लेकिन कितनी ही राज्यों में वह आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपते रहे। कभी तो उन्होंने कहा कि वैचारिक अलायंस है, विचार लेवल पर ठीक है, बाकी अपना नीचे। फिर उन्होंने कहा कि सीट के आधार पर अलायंस करेंगे, टोटल ना भी करें। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में दिल्ली पुलिस की जांच पूरी, कोर्ट में 1000 पन्नों की चार्जशीट हुई दाखिल। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जांच पूरी करने के बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। इस मामले में गिरफ्तार किए गए सभी 6 आरोपियों के खिलाफ करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। दिल्ली पुलिस की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अखंड प्रताप सिंह ने अदालत को बताया कि आईपीसी की धारा 186 और यूएपीए की धारा 13 के तहत अभियोजन के लिए मंजूरी का इंतजार है, जिसके लिए 2 सप्ताह की अवधि के भीतर पूरक आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉक्टर हरदीप कौर ने इस पर पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 15 जुलाई तक की मोहलत दे दी है। अग्निपथ स्कीम में बदलाव पर नहीं होगा टकराव, जेडीयू और चिराग पासवान की मांग पर भाजपा का रुख। बता दें कि नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बन रही है गठबंधन से और सहयोगियों ने सेना के भर्ती के लिए बनी अग्निपथ स्कीम में बदलाव की मांग कर दी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने कहा था कि हम इस स्कीम को खत्म करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन कुछ बदलाव करने चाहिए। इसके अलावा लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान का भी कहना था कि इस स्कीम में बदलाव किया जाए। भले ही यह मांग गठबंधन के सहयोगियों ने उठाई है, लेकिन भाजपा इसे लेकर राजी हो सकती है। इसकी वजह यह है कि पार्टी खुद इस स्कीम का सर्वे कराने की मंशा चुनाव से पहले जाहिर कर चुकी थी, तो ऐसे में अब गठबंधन सहयोगियों की मांग को स्वीकार करना कठिन नहीं होगा। बता दें कि भाजपा नेताओं ने चुनाव से पहले भी कहा था कि हम कुछ ऐसे बदलाव करना चाहते हैं जिसके तहत जवानों को अग्निवीर की नौकरी के बाद दूसरी जगहों पर आरक्षण मिल सके। इसके अलावा उन्होंने मिलने वाले वेतन और भत्तों में भी थोड़ा सुधार करने के लिए कहा था। एक बड़ा बदलाव ये हो सकता है कि अग्निवीर के तौर पर भर्ती जवानों में से 25% को नियमित नौकरी के लिए मौका मिलता है, अब इसे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा सेना में अग्निवीरों की हिस्सेदारी कम हो सकती है। सरकार का मत है कि इस स्कीम का सर्वे कराना चाहिए, स्कीम के हानि और लाभ को समझने के बाद ही फैसला लिया जाए। धमकियों से नहीं झुकेंगे, भारत भी तुम्हारी नीति नहीं मानता, ताइवान ने चीन को खूब सुनाया।
ताइवान ने नरेंद्र मोदी और ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग ते के बीच बधाई संदेशों के आदान प्रदान पर चीन की आपत्ति को खारिज कर दिया। ताइवान ने कहा कि चीन विश्व समुदाय को भ्रमित करने के लिए राजनीतिक दबाव और भ्रांतियां फैला रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव में मोदी की जीत पर ताइवान के राष्ट्रपति ने बधाई संदेश भेजा था, जिसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा था कि वह ताइवान के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए उत्सुक है। मोदी के इस रिप्लाई से चीन भड़क गया। विरोध जताते हुए चीन ने कहा था कि नई दिल्ली के और ताइवान के अधिकारियों की राजनीतिक चालों का विरोध करना चाहिए। चीन के मुताबिक ताइवान उसका एक विद्रोही और अभिन्न प्रांत है तथा इसे मुख्य भूमि यानी चीन के साथ पुनः एकीकृत किया जाना चाहिए, भले ही बलपूर्वक की न हो। चीन विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने इन संदेशों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि चीन ने इस पर भारत के समक्ष विरोध दर्ज कराया है। बीजेपी एमपी कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ कांस्टेबल को सम्मानित करेंगे प्रदर्शनकारी किसान। हरियाणा के जिंद जिले के उचाना में उपमंडल कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे किसानों ने अभिनेत्री और भाजपा की नव निर्वाचित सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारने की आरोपी सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल कुलविंदर सिंह को सम्मानित करने की घोषणा की है। धरने के संयोजक आजाद पालवा की अध्यक्षता में प्रदर्शनकारी किसानों की बैठक हुई, जिसमें कौर के हिरासत से रिहा होने के बाद उसे सम्मानित करने का सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है। बता दें कि पालवा ने कहा कि इस मामले की चर्चा पूरे देश और दुनिया में हो रही है। कंगना रनौत अब भी यह कह रही हैं कि उग्रवाद आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं, आज भी उनका जुबान पर नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा कि कौर की भावनाओं को ठेस पहुंची थी, हम उनके साथ खड़े हैं। राजनेताओं को अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमने फैसला लिया है कि कौर के हिरासत से रिहा होने पर उचाना धरने पर बुलाकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। थप्पड़ कांड के बाद अब पंजाब को लेकर बड़ी बात बोल गई कंगना रनौत, नेताओं का फूटा गुस्सा। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में बनी रहने वाली कंगना रनौत एक बार फिर से विवादों में घिर गई हैं। थप्पड़ कांड के बाद उनकी प्रतिक्रिया आई कि पंजाब के सभी नेता जमकर उनकी आलोचना कर रहे हैं। दरअसल चंडीगढ़ में सीआईएसएफ की एक महिला जवान ने उन्हें थप्पड़ मारा था। इसके बाद कंगना ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि यह सब पंजाब में दिनों दिन बढ़ रहे आतंकवाद और अतिवाद का नतीजा है। उनकी इस टिप्पणी पर पंजाब के कई नेताओं हरसिमरत कौर बादल, विक्रम सिंह मजीठिया, सुखपाल सिंह खैरा समेत अन्य ने अपनी आलोचना जताई थी। विक्रम सिंह मजीठिया ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पंजाबी आतंकवादी बन रहे हैं, ऐसे बयानों से बचने की जरूरत है। किसान देश के लिए अन्न उगा रहे हैं और उनके बेटे और भाई बहन सीमाओं पर देश की रक्षा कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को अनसुना नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही मजीठिया ने कहा कि वे किसी भी रूप में हिंसा के समर्थक नहीं हैं, लेकिन चंडीगढ़ में जो कुछ भी हुआ वह किसानों और सैनिकों की आवाज़ अनसुनी करने का ही नतीजा था। सत्ता में बैठे लोगों को यह समझना चाहिए कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो गई, जिसमें कुलविंदर सिंह कौर सीआईएसएफ महिला जवान को ऐसा कदम उठाना पड़ा। आ गई खुशखबरी, 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेगी वंदे भारत बुलेट ट्रेन। बता दें कि देश की सबसे लोकप्रिय वंदे भारत ट्रेन के ऐलान के बाद लोग बुलेट ट्रेन की सौगात का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि भारतीय रेलवे ने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री को चालू वित्त वर्ष के भीतर 2 मानक गेज बुलेट ट्रेनों का घरेलू उत्पादन करने का काम सौंपा है। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक ये निर्णय तब लिया गया जब जापान के साथ बुलेट ट्रेन की डील में बाधाएं आने लगी। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ICF में 250 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन का निर्माण होगा। खास बात यह है कि इस बुलेट ट्रेन को वंदे भारत के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के मैन ऑफ द मैच बनना चाहिए नेता प्रतिपक्ष, बोले शशि थरूर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव का मैन ऑफ द मैच करार दिया और कहा कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में लगातार चौथी बार तिरुवनंतपुरम से निर्वाचित हुए शशि थरूर ने PTI भाषा को दिए इंटरव्यू में कहा कि जनादेश का संदेश ये है कि मतदाताओं ने भाजपा के प्रति अहंकार और मेरी बात मानिए नहीं तो रास्ता नापिए के रवैये को अनुचित ठहराया। अगली राजग सरकार को लेकर उनका कहना था कि यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए चुनौती होगी, जो अपनी सरकार चलाने में बहुत अधिक सलाह मशवरा करने के आदि नहीं रहे हैं और मुझे लगता है कि यह उनके काम करने के तरीके को बदलने और सरकार के भीतर अधिक समायोजन करने की उनकी क्षमता की परीक्षा होगी। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में विभव कुमार को राहत नहीं, कोर्ट ने फिर खारिज की जमानत की याचिका।
आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट के मामले में दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। ये दूसरी जमानत याचिका है जिसे कोर्ट ने खारिज की है। इससे पहले 27 मई को उनकी पहली नियमित जमानत याचिका खारिज की गई थी। विभव कुमार को फिलहाल न्यायिक हिरासत में रखा गया है। 27 मई को विभव की जमानत याचिका खारिज करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील अनुज त्यागी ने कहा था कि पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज नहीं किया जा सकता, केवल प्राथमिकी दर्ज कराने में देरी से मामले पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि 4 दिनों के बाद भी मेडिकल रिपोर्ट में चोटें स्पष्ट रूप से दर्ज हुई हैं। कांग्रेस ने फिर उठाए सवाल, कहा ईवीएम को खारिज नहीं किया लेकिन इसमें सुधार हो। लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को कड़ी टक्कर देने के बावजूद कांग्रेस ने एक बार फिर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। पूर्व वित्त मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने चेन्नई में कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में हमने ईवीएम को खारिज नहीं किया। हालांकि उन्होंने कहा कि वे ईवीएम में सुधार के पक्ष में हैं। बता दें कि चिदम्बरम ने कहा कि उनकी पार्टी ईवीएम को खारिज नहीं करती है लेकिन वीवीपैट में सुधार के पक्ष में है। यहां एक संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल का जवाब देते हुए चिदम्बरम ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में हमने ईवीएम को खारिज नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हमारा घोषणा पत्र पढ़ें, हम जो कहते आ रहे हैं वो ये है कि वीवीपैट पर्ची को लगभग 4-5 सेकंड के लिए दबाया जाए ताकि हम उसे पढ़ सकें। अभी पर्ची तुरंत बॉक्स के अंदर गिर जाती है। हम घोषणा पत्र में जो कहते हैं वो ये है कि इसमें एक और सुधार होना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू के बेटे की दो टूक, कहा मुस्लिम आरक्षण जारी रखेगी टीडीपी, यही सामाजिक न्याय है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की आगामी सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। टीडीपी नेता और चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने कहा कि मुस्लिम आरक्षण जारी रहेगा और यह कोई तुष्टिकरण की राजनीति के लिए नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पार्टी का ध्यान आंध्र प्रदेश में रोजगार सृजन और वंचितों के उत्थान पर रहेगा। पार्टी ने आंध्र प्रदेश में 16 लोकसभा की सीटें जीती हैं और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को चुनाव जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुलविंदर अब माफी मांग रही हैं, जहां कंगना को थप्पड़ मारा वहां ड्यूटी नहीं थी, सीआईएसएफ अधिकारी ने कहा। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत को एक सीआईएसएफ महिला कर्मी ने थप्पड़ जड़ दिया था। इस मामले की देश भर में चर्चा हुई है और कुलविंदर कौर को इस हरकत के लिए हिरासत में लिया गया था। अब सीआईएसएफ के एक शीर्ष अधिकारी विनय काजला का कहना है कि कुलविंदर कौर माफी मांग रही हैं। सीआईएसएफ के डीआईजी नॉर्थ एयरपोर्ट से विनय काजला ने कहा कि मैं घटना के बाद चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचा, यहां मामले में पूरी जानकारी ली गई और इसके बाद सीआईएसएफ अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई और एयरपोर्ट की सुरक्षा की समीक्षा हुई। फिलहाल मोहाली पुलिस ने कुलविंदर के कौर के खिलाफ सेक्शन 323 और 341 के तहत केस दर्ज किया है। ये दोनों ही जमानती धराए हैं। 5 दिन में 579 करोड़ बढ़ी चंद्रबाबू नायडू की पत्नी की संपत्ति, चुनाव नतीजों के साथ हुआ डबल धमाका। लोकसभा और आंध्र प्रदेश विधानसभा के चुनाव के नतीजों का ऐलान होते ही टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और उनकी पत्नी नारा भुवनेश्वरी की किस्मत और कंपनी दोनों चमक उठी है। आलम यह है कि 5 दिनों के अंदर भुवनेश्वरी की संपत्ति में 579 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। उनकी संपत्ति बढ़ने की वजह उनकी कंपनी हेरिटेज फूड्स लिमिटेड है, जिसके शेयरों की कीमत में चुनाव नतीजों के बाद भारी उछाल आ गया है। कोविड काल से ही एक बड़े झटके झेल रही एफएमसीजी सेक्टर की इस कंपनी के शेयर में लोकसभा चुनाव के नतीजों के दिन बड़ा उछाल दर्ज किया गया। इस कंपनी में नारा भुवनेश्वरी की करीब 24.34% महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। उनके पास कंपनी के 2,26,11,525 शेयर हैं। 1992 में चंद्रबाबू नायडू ने इस कंपनी की स्थापना की थी। दूध, दही, लस्सी, पनीर, घी, चीज समेत अन्य डेयरी उत्पाद इसके प्रोडक्ट हैं। नारा भुवनेश्वरी इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और वाइस चेयरमैन हैं। लो आ गई खुशखबरी, 5 दिनों तक होने जा रही है झमाझम बारिश, गर्मी से मिलेगी राहत। बता दें कि उत्तर भारत के राज्यों में पड़ रही गर्मी के बीच मौसम विभाग ने कई प्रदेशों के लिए खुशखबरी दी है। मौसम विभाग ने बताया है कि महाराष्ट्र तटीय और उत्तरी कर्नाटक में अगले 5 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होने वाली है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के कुछ राज्यों में भी बारिश और आंधी तूफान अगले 2 दिनों तक जारी रहेगा।
हालांकि पूर्वी भारत, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, मध्य प्रदेश में अगले 5 दिनों तक हीट वेव की स्थिति बरकरार रहने वाली है। मॉनसून को लेकर मौसम विभाग ने अपडेट किया है कि अगले 3 से 4 दिनों में यह मुंबई समेत महाराष्ट्र के बाकी इलाकों, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश के बचे हुए इलाकों, छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा आदि राज्यों में दस्तक देने वाला है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 7 दिनों तक हल्की से मध्यम स्तर की बरसात होने वाली है। वहीं आपको बता दें कि कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, तमिलनाडु में अगले 5 दिनों तक बारिश होने जा रही है। एयर इंडिया का बढ़ेगा कद, विस्तारा से विलय के लिए NCLT से मिली मंजूरी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने एयर इंडिया और विस्तारा के विलय को मंजूरी दी है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े एयरलाइन समूहों में से एक के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। नवंबर 2022 में घोषित विलय के बाद सिंगापुर एयरलाइंस की एयर इंडिया में 25.1% हिस्सेदारी होगी। विस्तारा सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा समूह का एक संयुक्त उद्यम है। 4 जून के आरोपों पर BSE की सफाई, हमारे सिस्टम में नहीं था टेक्निकल लोचा, बैंकों की लिट लतीफी से हुआ नुकसान। देश के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज BSE ने कहा कि बैंकों से भुगतान मिलने में देरी के कारण 4 जून को म्यूचुअल फंड खरीदने वाले निवेशकों को NAV आवंटित करने में देरी हुई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने साफ किया है कि इस मामले में उसकी तरफ से कोई भी तकनीकी गड़बड़ी नहीं हुई थी। कंपनी निवेशकों ने सोशल मीडिया पर शिकायत की थी कि उन्हें 4 जून को अपनी पोजीशन के स्क्वायर ऑफ करने में परेशानी का सामना करना पड़ा था। कई निवेशकों ने कट ऑफ समय से पहले अपने म्यूचुअल फंड खरीदे थे, लेकिन उन्हें जो नेट एसेट वैल्यू NAV सौंपा गया वो 4 जून के बजाय 5 जून के लिए फंड का मूल्य निर्धारित करता है। इसकी वजह से ऐसे निवेशकों को बड़े पैमाने पर वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ा। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने शेयर धारकों को दिया तोहफा, ₹70 के इंटरिम डिविडेंड का किया ऐलान, रिकॉर्ड डेट हुई तय। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने 7 जून को शेयर धारकों को बड़ा तोहफा दिया है। कंपनी ने अंतरिम में डिविडेंड की घोषणा की है। कंपनी ने अपने शेयर धारकों के लिए ₹70 प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड घोषित किया है। शुक्रवार को बोर्ड मीटिंग के बाद कंपनी ने इस बारे में शेयर मार्केट को जानकारी दी है। कंपनी के शेयर शुक्रवार को करीब 1.66% की तेजी के साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ₹3,823.20 पर पहुंच गए हैं। आज का सुविचार, अपनी उम्मीद को हमेशा जिंदा रखिए, आप पर हंसने वाले लोग ही एक दिन आपके लिए तालियां बजाएंगे। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।